तेईस मिनट पहले इसका दिमाग है करीना गया था इस मशीन के द्वारा, लेकिन इस बारे में विदेशी विद्वानों का कहना है कि उन्होंने एक सफेद मास्टर को बुलाया जो नेटवर्क में से इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, लेकिन मेरा मानना है कि उन्हें बहुत सारे कोस्ट हैकर को बुलाया है जो छुप कर हर जगह फैले हुए हैं, जो सारी खुफियाँ इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं। सर, इन कोस्ट हैकरों तक पहुँचने के लिए हमारे पास कितना वक्त है? केवल 2 घंटे। हम बात कर रहे हैं एक पवेट मास्टर की जो रहस्यमय तरीके से हैक करते चले आ रहे हैं हमारे सारे नेटवर्क्स को। कौन है इसके पीछे? सर, हमारे पास उनके खिलाफ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वो कैसे दिखते हैं, कौन है, क्या जेंडर है उनका, वो कुछ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, वो एक इंजीनियर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तुम इस बात को बढ़ा रही हो, तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। तुम्हारे पास कुछ क्या तुम्हें ऐसे लगता है? मैं उस तक पहुँच के दिखाऊंगी, देख लेना। जो तुम्हारा पिछड़ा हुआ कल था वो एक धोखा था। तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी बेटी, सब एक धोखा है। तुम सब झूठ कह रहे हो। मैंने उसे देखा है, वो हंसती है तो जैसे लगता है पर ही आ गई हो मेरी आंखों के सामने, मेरी प्यारी बच्ची। हाँ, और जो भी तुमने एक्सपीरियंस किया है वो सब एक धोखा है। What if a cyber brain could possibly generate its own ghost, create a soul all by itself? And if it did, just what would be the importance of being human then? इस सारी इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा दिमाग है वो एक तरह से हैक हो जाता है। मेरा नाम प्रोजेक्ट 2501 है। मैं एक जीवित और सारी इंफॉर्मेशन गाइड करने वाला, सबसे सोचने वाला मैं।